किसी देश की सेना युद्ध के समय दलदल और रेगिस्तान में रोड का निर्माण कैसे करती, जहां उसके अलावा कोई यह काम बिल्कुल नहीं कर सकता। दलदल पर रोड बनाने के लिए पेड़ के तनों की 3 लेयर चढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले मोटी लेयर आड़े बिछाए जाते हैं, उसके ऊपर पतले और एक आड़ी लेयर उसके ऊपर बिछाई जाती है। तब जाकर के उस पर मिट्टी पत्थर डालकर रोड बनाई जाती है। मोटे तने न होने पर पतले तनों को आपस में तार से बांधकर एक मैश बनाई जाती है। अगर कोई ट्रक दलदल में फंस जाए तो उसी मैश को 3x3 के मैश से हम उस ट्रक को दलदल से निकाल सकते हैं। और देखते हैं कि जो आपके रेगिस्तान होते हैं, वहां पर 2 प्रकार की समस्या होती है, गीली रेत और खड़ी चढ़ाई। गीली रेत पर आमतौर पर लोहे की तार बिछाकर उसके ऊपर बोरे या कोई दूसरा बाइंडिंग मटेरियल डालकर उसके रोड की तैयार की जाती है। और खड़ी चढ़ाई पर क्या होता है कि ऐसी स्थिति में आर्मी के पास पहले से ही लट्ठे होते हैं, लकड़ी। 1962 की इंडिया चाइना बार और 2022 की रशिया यूक्रेन बार में क्या कॉमन है? देखिए, 1962 बार में इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया था, जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत पड़ रहा है। आज अक्साई चीन और लद्दाख में दूसरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस आज भी चाइना कंट्रोल कर रहा है। यही सेम गलती रशिया कर रहा है यूक्रेन में, जहां लास्ट ईयर सभी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि रशिया की यूक्रेन इन्वेजन 30 डेज चलेगी, और आज एक पूरा पूरा साल हो गया है। रशिया यूक्रेन में स्ट्रगल चल रहा है। रशिया ने भी अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया है, हालांकि रशिया 10 टाइम्स एयरफोर्स पावर ज्यादा है यूक्रेन से। और इसके 2 कारण है। नंबर 1 है फर्स्ट सैम सरफेस टू एयर मिसाइल, जो यूएस ने प्रोवाइड किया। दूसरा है रसिया